बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के ऐश्वर्य प्रधान से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी में युवा चेहरों को तवज्जो मिलेगी। हालांकि 2023 को लेकर हुए सर्वे के सवाल पर तो पूनिया टाल गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, किस तरीके से आंदोलन होगा और पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चलेंगे जिनकी शुरुआत अक्टूबर से होगी और दिसंबर में जाकर खत्म होंगे। एक उत्कंठा थी और एक डिमांड भी थी, लेकिन सबको पता है कि आंदोलन एक दिन में खड़ा नहीं होता, उसके लिए एक क्रमिक तैयारी होती है। और ये दुर्भाग्य था, कांग्रेस का सौभाग्य था, राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य था कि कोरोना के इस कालखंड में कोरोना उनके लिए आपदा में अवसर बनकर आया। तो अब ये उचित समय है कि जब कोरोना की चुनौतियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो हम लोगों ने ये कहा है कि अब मंडल जो 28 अक्टूबर को मंडल पर उपखंड स्तर पर हमारे मंडल सब शामिल होकर उपखंड स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, पैदल मार्च होगा, जो उपखंड अधिकारी हैं उनको भी इस बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन बिजली से लेकर जो तमाम मुद्दे जो राजस्थान की जनता पीड़ित है वो वहाँ से शुरुआत हम लोग करेंगे। नवंबर के अंतिम सप्ताह में इन्हीं मुद्दों को लेकर, जिसमें किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, अपराध, ये तमाम मुद्दे होंगे जिस पर जिलों में प्रदर्शन होंगे, कलेक्ट्रेट्स का घेरा होगा। और उसके बाद 15 दिसंबर को राजस्थान में जयपुर में राजधानी में एक बड़े प्रदर्शन की आज हमारी चर्चा हुई है और इसकी व्यापक तैयारी हम लोग जल्दी शुरू कर देंगे। कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में यूथ को और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे करवाया, इस तरीके की बात चल रही है, लेकिन आप भी नज़र तो रखते होंगे कि राजस्थान में कहाँ कौन सा कार्यकर्ता बेहतरीन कार्य कर रहा है, क्योंकि गुजरात है, उसने सब देश में नज़ीर पेश की है, इस तरीके के चेहरे सामने आए हैं, हर बार आए हैं, लगता है कि यहाँ भी इस तरीके का परिवर्तन भविष्य में होगा। देखिए, समय की ज़रूरत है और अब क्योंकि राजनीति के तौर तरीके बदल रहे हैं, समाज की डिमांड बदल रही है, राजनीति की डिमांड बदली है, केंद्र की जो मंशा जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में एवरेज एज 58 हुई है, पार्टी में किसी समय हमारे मंडल के अध्यक्ष होते थे 60-65 वर्ष के, आज 45 वर्ष तक के मंडल के अध्यक्ष होते हैं, तो एक संतुलन चाहिए अनुभव का भी और ऊर्जा का। लेकिन मुझे लगता है कि जो सामान्य तौर पर ये चर्चा होती है कि जो नई लीडरशिप है वो आए, सामाजिक जिसमें संतुलन हो, तो राजस्थान की भी डिमांड है कि नया नेतृत्व आए, उस पर हम लोग जैसा केंद्र निर्देश देगा उस पर कसरत करेंगे ही। लेकिन मेरी व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी में जिस तरीके से नए नेतृत्व की ज़रूरत है, उस लिहाज से हमारी कोशिश रहेगी कि अपेक्षाकृत नए लोगों को ज़्यादा अवसर मिले। सक्रियता काम का मापदंड है ही और उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा टीम को सक्रिय रखें या जो ज़्यादा समय नियोजित कर सके, ज़्यादा सक्रियता के साथ काम करेगा उसको काम में प्राथमिकता तो मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।